हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसेस टू ऑल पे। आज हम बात करने वाले हैं लेट्सी 2.5 mg टैबलेट के बारे में। आजकल वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर एक तेजी से बढ़ती हुई और गंभीर समस्या है। ब्रेस्ट कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में इंडियन वुमेन्स को कम उम्र में शिकार बना रहा है। इंडियन वुमेन्स में ब्रेस्ट कैंसर होने की एवरेज लगभग 47 साल है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 10 साल कम है। हालांकि सही जानकारी, थोड़ी सी सावधानी और टाइम पर इसके सिम्टम्स की पहचान और इलाज से इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है और इस टैबलेट को कब नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। अगर आपको किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेडिसेस टू ऑल की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। 5 टैबलेट्स का प्राइस 169 रुपीज है। लेट्सी टैबलेट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर लेट्रोजोल 2.5 mg होता है। चलिए गाइज, अब इस टैबलेट को खोल के देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। इसमें हमें कुछ तो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि ये टैबलेट हमें किस किस यूजेज में मिलती है और इस टैबलेट को कैसे खाना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें गिवेन है। एंड सेकंड थिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ये मेडिसिन दिखने में कैसी है। इसमें आपको 5 टैबलेट्स मिलती हैं जो येल्लो कलर में होती हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ, ये लेट्सी टैबलेट है 2.5 mg। ओके, देन अब इस टैबलेट के बारे में बात करते हैं, ये लेट्रोजोल किस किस यूजेज में आता है। लेट्रोजोल बॉडी में एस्ट्रोजन के आउटपुट के लेवल को कम करता है, इससे उन ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है जिन्हें बढ़ने के लिए एस्ट्रोजन की जरूरत होती है, और इस टैबलेट को गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं। इस टैबलेट की हेल्प से आप ब्रेस्ट कैंसर को खत्म कर सकते हैं, और इस टैबलेट को खाने से आपको कुछ साइड इफेक्ट्स भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपको थकान हो सकती है, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, आपको खांसी हो सकती है और स्टमक पेन भी हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर महसूस होता है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज करें। इस टैबलेट को लेने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान दें, जैसे कि अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो, बॉडी में लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ हो और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन देखकर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करेगा। बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। वुमेन्स इस टैबलेट को वंस अ डे डेली ले सकती हैं। इस टैबलेट को कुछ खाने के बाद पानी के साथ एक टैबलेट ले सकती हैं, और इस टैबलेट को बिना तोड़े या चबाए लिया जाता है। अगर ब्रेस्ट में दर्द या गांठ जरा सी भी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी ये भी होता है गांठ में दर्द ना हो लेकिन छूने पर ये महसूस होता है। ब्रेस्ट में पड़ने वाली गांठ को मेमोग्राफी की हेल्प से पता किया जा सकता है, इससे ब्रेस्ट कैंसर का भी पता लगाया जा सकता है, और मेमोग्राफी कराने में ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। 30 से 35 साल की वुमेन्स को एक बार मेमोग्राफी जरूर करानी चाहिए। ब्रेस्ट में गांठ और टाइम के साथ साथ ब्रेस्ट का आकार बढ़ना, ब्रेस्ट का एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना, बगल में सूजन आना, निप्पल का लाल पड़ना या उनसे खून आना, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग या एबनॉर्मल मोटाई लगे तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज, ये था लेट्सी 2.5 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो, या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।